यहाँ तमाम जनता जो मौजूद है वो पहलवानों के समर्थन में आ खड़ी हुई है और सभी के हाथ में आपको कैंडल दिख रही होंगी। और कैंडल हमारे पहलवान ये धरोहर है, हमारे ये इंटरनेशनल प्लेयर है, अर्जुन अवार्डी है, पद्मश्री है और क्या कहते हैं राजीव गांधी खेल रत्न है जो अब नाम बदल चुका है उसका। तो इतने बड़े अवार्ड ये आसानी से नहीं आते हैं। फिर लोग कह रहे हैं ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं कि भाई आप लोग नेशनल नहीं खेलेंगे। एक एथलीट जो होता है उसका एक लेवल होता है, हर तरीके से वो पहले नेशनल खेलता है फिर इंटरनेशनल खेलता है। तो ये लोग ऑलरेडी नेशनल खेल के जा चुके हैं और ट्रायल के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। आप देखोगे कितनी सारी चीज चलती है, नरसिंह यादव था पहले उसका चला है। तो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वो डोप पे वाडा एजेंसी जो होती है वो इंटरनेशनल एजेंसी है, नाडा इंडिया की है। तो वहां पे फेल हुआ था वो, ना कि यहाँ पे उसको फंसाया गया था। और जब भी यही अध्यक्ष थे उसके बाद कोई क्यों नहीं उठा था, जब वे लोग क्यों नहीं है जंतर मंतर में हम उनको समर्थन देते। तो ये जो ये एजेंडा चला रहे हैं गलत एजेंडा चला रहे हैं, तो हम तो अपने भाइयों के साथ हैं, बहनों। लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो कर्नाटक में अपनी रैलियों में व्यस्त है। तो ये उजाला जो आप लोग यहाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है वहां तक रोशनी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? आवाज तो डेफिनेटली पहुंच रही है, ऐसी बात नहीं है। और पहले भी अनसुना किया जा रहा है। हाँ जी, अनसुना किया जा रहा है। जब आम जनता के लिए अगर न्याय नहीं है और आप अगर किसी पे अगर ये काम कोई इंसान वैसे कर देता या कुछ छोड़ता तो बुलडोजर अब तक खड़ा था उनका, अब कहाँ है वो। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी है कि अगर हमारे ओलंपिक विनर्स हैं सारे, सबके पास इतने अच्छे करियर रिकॉर्ड्स रहे हैं, लेकिन अगर इन पहलवानों को यहाँ इतने पद में पहुंचने के बाद भी यहाँ बैठना पड़ रहा है, 15 दिन हो गए हैं, पूरी जनता को आके कैंडल मार्च निकालनी पड़ रही है, तो एक आम लड़की की क्या हालत होती है हमारे देश में? बिल्कुल बिल्कुल, देश में आप कितने हाथरस, क्या हुआ था, कितने वहाँ पे विपक्ष के नेता गए, उनको डिटेन किया गया, तो उन वहाँ भी न्याय कहाँ मिला है? और जो क्रिमिनल था वो बैठा है पैर पे पैर रख के बैठा था। तो लड़ाई तो लोग जनता पे जब विद्रोह होता है अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार ही ऐसी है कि यहाँ पे तो आंदोलन करना ऐसे आतंकवादी की तरह हो गया है। मतलब कुछ भी आप आवाज उठाओगे तो आप सबसे पहले आप पे खालिस्तानी और पाकिस्तानी का टैग लगेगा। हम बात करेंगे विकास की या कुछ की, उसके बाद करो खिलाड़ियों को आगे पहुंचाओ। आज आप चाइना में देखो कितने मेडल, यूएसए में देखो 30 से 35 मेडल के गोल्ड रहते हैं, हमारे क्या एक गोल्ड। तो जैसे आपने बात करी कि चाइना के मेडल्स हैं या बाकी कंट्रीज के मेडल्स हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, क्योंकि अगर हमारे पहलवान आगे उनसे कंपटीशन करते हैं तो उनकी नजरों में कहीं ना कहीं ये झुक के रह गए। नहीं झुके नहीं, हमारे पहलवान ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे, हिंदुस्तान तिरंगा ऐसा ऊपर था ऊपर रहेगा। बात क्या है कि ये लड़ाई ना सरकार से है ना मोदी जी से है, लड़ाई बृजभूषण सिंह से है। मोदी विरोधी नारे लग रहे हैं, बीजेपी विरोधी नारे यहाँ लग रहे हैं, कोई एक दो आदमी लेकिन उसका समर्थन ना पहलवान करते हैं और ना यहाँ पे आने वाले सामाजिक लोग करते हैं। नहीं, क्योंकि लड़ाई बेटी के ऊपर है, बहन की इज्जत के ऊपर है। भाई गरीब अगर इज्जत बेटी पर सवाल उठता तो गरीब उठता, और हम तो भाई हर तरह जो आरोपी है पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हमें ना मोदी से कोई प्रॉब्लम है, हमें ना किसी से, सिर्फ प्रॉब्लम है तो बृजभूषण सिंह से है। वो कहता है कि एक ही परिवार क्यों, एक ही राज्य क्यों, एक ही अखाड़ा क्यों। जब वो ये कहता है तो फिर कहीं और से मेडल, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अगर अपनी पार्टी को इतना सपोर्ट करते दिखते हैं, रैलियों में पहुंचे हुए हैं, तो अपनी पार्टी के सांसद को तो संभाल सकते हैं ना। नहीं वो मैं ये कहना चाहूंगा, ब्रजभूषण देश की धरोहर नहीं है, ये बच्चे देश की धरोहर है, ठीक है। ऐसे 10 ब्रजभूषण सरकार रातों रात खड़े कर सकती है, लेकिन ऐसे खिलाड़ी खड़े नहीं कर सकती, मेरा मानना ये है, ठीक है। तो सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, ये बच्चे जो यहाँ जमीन पे आज बैठे हुए हैं, अगर ये मैच नहीं गए बाई चांस ये खेलने नहीं गए तो मेडल कहाएंगे आप, मैं ओलंपिक टैली में कहाँ जाओगे? आप देखो अभी हमारा लास्ट जो ओलंपिक है 2020 का था, वो 21 में हुआ था, जो टोक्यो में हुआ था उसमें 48 तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? और इनमें से इनके मेडल रवि दहिया, बजरंग पुलिया, इनका मेडल निकाल दोगे तो फिर आप। तो मेडल वापस देने की भी पहलवानों ने हमारे बात करी थी, आपको क्या लगता है क्या उनका जो फैसला है सही है या सरकार पर कोई असर पड़ेगा मेडल वापस लेने के बाद? वो दर्द है पहलवानों का, दर्द होता है जब आपने देखा क्या हरकत पुलिस ने की, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, अमला, जितना प्रशासनिक अमला है सारा एक आदमी को बचाने के लिए लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्यों, एक बाहुबली है, बाहुबली के दबाव में पूरी सरकार है, पूरा प्रशासन है, और वो सिर्फ क्या चाहते हैं कि ये ऐसे ही उठ जाए। ये देश का गौरव है, धरोहर है, सम्मान है, इन्होंने देश का विदेशों तक नाम किया है,
पदक कोई ऐसे ही नहीं आ जाता, बहुत मेहनत इन्होंने बचपन से लेकर आज तक कितनी चीजों की कुर्बानी दी होगी इन्होंने अपने जीवन। कैंडल मार्च के बाद क्या असर लग रहा है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आने वाला है इस प्रोटेस्ट को लेकर? मैडम आज थोड़ी रोशनी हुई है, देखो कल क्या परिवर्तन आता है, नहीं आएगा तो अब टिकैत जी बोल के कहते कि 41 दिन का जो डोज है देखो क्या होता आगे 30 दिन कल तक आप इंतजार करने? बिल्कुल करेंगे इंतजार, उससे आगे भी करेंगे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। 15 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल नहीं रहेंगे किसान आंदोलन चालू कर देंगे अपनी। और क्या है, किसान आंदोलन जो 13 महीने चला था तो आखिर में मोदी जी माने ना। आपको एक बात बताऊं, हमारे इसमें प्रोटेस्ट में किसान आंदोलन में बहुत सारी गलत चीजें दिखाई थी, वहाँ पे लोग अपने ऑफिस भी वर्क करते थे और यहाँ आंदोलन में भी आते थे, तो हमारे पास ऐसे लोग भी हैं, ऐसी टीम भी है, गाँव में अपनी फसल काट के भी आ रहे हैं फिर वहाँ आंदोलन में समय दे रहे हैं। तो हमारी कहने वाली बात ये है कि कुछ भी हो जाए धरना चालू रहेगा और इंसाफ लेकर रहेगा। मैडम ये बताइए, अगर ये धरना आज खत्म हो जाता है तो फिर इन बहन बेटियों का क्या, कल को तो फिर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो आज अगर इन्हें एक कुछ मिलके जीत मिलके अगर खड़े होंगे तो कल को हर एक बेटी हर बहन कहीं ना कहीं हिम्मत देंगी बाकी और ये और आगे फिर वो मेरी आवाज कह के बगावत वो दबाते ने जरूरी था नहीं वही हाकम जो चाहते ने जरूरी था नहीं वही लिखा हाकम जो चाहते ने। मैं बड़ा बुरा लगता है कि देश का जरा भविख है खेड नौजवान जरा वा स्वस्थ भारत की बुनियाद रख रहा है पर उस अपनी इज्जत बचाने वास्ते इस तरह के धरनिया से बैठना जा रहा है, ये देश की राजनीति वास्ते शर्मनाक गल है। मैं जोरदार निंदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे प्लेयर्स जो ओलंपिक विनर्स है वो यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद अगर आप ये देखिए कि अगर ओलंपिक विनर्स को यहाँ ऐसे बैठना पड़ रहा है 14 दिन तक और इतने मतलब संगीन आरोप जब लगे उसके बाद बैठना पड़ रहा है तो एक आम लड़की की क्या हालत होती होगी इस देश में? जी यही लड़कियां हमारी बेटियां जो हैं, जब प्रतिभाशाली बेटियां देश का जो सम्मान है बेटियां उनको इस तरह बेइज्जत किया जा रहा है, इससे बड़ा दर्दनाक दुखद जो उनको सजा है इससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती।